आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक अंडररेटेड मूवी को जिसका नाम है द थिंग इनसाइड, जो 2021 में रिलीज़ हुआ है। तो मूवी शुरू होती है और हमें एक घर को दिखाया जाता है जिसके अंदर बाहर हर तरफ कैमरे लगे थे। इस घर में डैनियल और उसकी वाइफ सैली रहते थे। सैली को नींद में चलने की बीमारी थी। ये रोज़ रात को घर के बाहर आकर एक ही जगह पर खड़ी होकर आसमान की तरफ देखती थी। सुबह जब डैनियल जागता था तो सैली इसको बाहर उसी जगह पर खड़ी मिलती थी। इससे पूछने पर इसको कुछ भी याद नहीं रहता था, इसीलिए डैनियल ने पूरे घर में कैमरे लगाए थे जिससे ये सैली को सब कुछ दिखा सके। यहाँ पर हमें बताया जाता है ये बीमारी सैली को बहुत दिनों से है जिसका इलाज डॉक्टर लूपस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रोज़ रात को उसी जगह पर जाकर ऊपर देखने लगती थी। डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि सैली धीरे धीरे ठीक हो जाएगी क्योंकि हाल ही में सैली ने अपने बच्चे को खोया है, इसीलिए वो बहुत दुखी है। दूसरी तरफ हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि दुनिया में किसी तरह की बीमारी फैल रही है। ये मच्छरों के काटने से हो रहा था जिसमें इंसानों को अजीब अजीब तरह की बीमारियां हो रही थी, इसीलिए डैनियल अपने घर के आसपास मच्छरों को मारने के लिए दवाई डाल रहा था। तभी यहाँ इसका पड़ोसी आता है और इसके वाइफ का हालचाल पूछता है। ये बताता है कि मैं रोज़ सुबह तुम्हारी वाइफ को घर के बाहर देखता हूँ, वो आसमान की तरफ लगातार देखती जाती है। डैनियल कहता है हाँ मुझे पता है। डैनियल सैली को लेकर काफ़ी परेशान था, इसीलिए सैली से पूछकर ये सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर डालने लगता है जिससे कोई इसको इस बीमारी के इलाज के बारे में बता सके, क्योंकि इनका जो डॉक्टर था वो कुछ अजीब टाइप का था, वो हमेशा इन्हें बस समझाने की कोशिश करता था। अगली रात डैनियल सोचता है आज ये सैली का पीछा करेगा, इसीलिए जब रात को सैली बाहर आती है तब डैनियल भी कैमरा लेकर इसके पीछे आता है और सैली को होश में लाने की कोशिश करता है। तभी अचानक सैली इसका हाथ पकड़ लेती है और अजीब तरह से आसमान की तरफ देखकर एक भयानक आवाज़ निकालती है। अगले दिन डैनियल सैली को वही वीडियो दिखाता है। सैली को यकीन नहीं होता कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है क्योंकि इसको रात का कुछ भी याद नहीं होता है। ये फिर से उसी तरह की आवाज़ निकालने की कोशिश करती है मगर ये ऐसा नहीं कर पाती। फिर डैनियल डॉक्टर लूपस से सारी बातें बताता है मगर इस बार फिर से डॉक्टर इसको समझाने लगता है। दूसरी तरफ इसकी वीडियो देखकर एक यूज़र इसे बताता है तुम अपनी वाइफ को रात में बांध दो फिर देखो क्या होता है। अगली रात डैनियल ऐसा ही करता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही रात होती है सैली जोर जोर से चिल्लाने लगती है और यहाँ से आज़ाद होने के लिए अपने हाथ को घायल कर लेती है। दूसरे दिन सैली इसे बताती है कि इसके सर में ऐसा लग रहा है जैसे कई सारे लोग बातें कर रहे हो। अब ये हमेशा टीवी के सामने बैठकर टीवी के खरखराने की आवाज़ सुनती थी। पूछने पर बताती है कि ये आवाज़ इसको अच्छा लगता है। डैनियल अपनी वाइफ की ऐसी हालत देखकर काफ़ी परेशान रहता था। अगली रात एक सोशल मीडिया यूजर इसे बताता है कि तुम अपने रूम को अंदर से लॉक करके चाबी छुपा दो फिर देखो क्या होता है। डैनियल बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आधी रात होती है सैली वो चाबी लेकर दरवाज़ा खोल लेती है और फिर से उसी जगह पर आकर खड़ी हो जाती है। इसी तरह करके डैनियल रोज चाबी को अलग अलग जगह पर छुपा देता था मगर सैली हर बार वो चाबी बड़ी आसानी से ढूंढ लेती थी। अब सैली को खाने का स्वाद भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये मच्छरों को मारने वाली दवा भी फेंक देती है और मशीन को भी ऑफ कर देती है। ऐसा लगता है ये उन मच्छरों को बुला रही हो। अगली रात ये फिर से चाबी ढूंढकर घर से बाहर जाने लगती है, लेकिन इस बार डैनियल इसको रोकने की कोशिश करता है जिस पर सैली इसको डांटकर अपने पीछे आने से मना करती है, मगर इस बार डैनियल इसकी बात नहीं मानता। फिर सैली इसको लास्ट वार्निंग देती है और कहती है तुम लकी हो क्योंकि तुम सैली के पति हो। इतना कहकर ये यहाँ से जंगलों की तरफ चली जाती है और लगभग आधी रात बाद ये फिर से अपने कमरे में आ जाती है। अगली सुबह डैनियल रात की वीडियो सैली को दिखाता है। अब सैली भी काफ़ी परेशान होने लगती है क्योंकि इसे रात का कुछ भी याद नहीं होता है। ये सारी वीडियो डैनियल सोशल मीडिया पर शेयर करता था, वहाँ पर इसे अलग अलग लोग बहुत सारे तरीके इन्हें बताते थे। इसी में से एक तरीका था अगर सैली रात में ना सोए तो क्या होगा। बस इसी को आजमाने के लिए सैली आज रात अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और बाहर से डैनियल कैमरे के जरिए इस पर नज़र रख रहा था। तभी सैली को कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और ये बेहोश होने लगती है, लेकिन इस बार सैली बेहोश नहीं होती और ये अपने हाथ को चाकू से काट लेती है जिससे ये होश में रहे। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं
और सारे कैमरे बंद कर देते हैं। इधर सैली के रूम में बहुत तेज रोशनी होती है और सैली यहाँ से गायब हो जाती है। बाहर डैनियल दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अगले दिन डैनियल अपने घर पर एक ऑफिसर को बुलाता है और इन्हें अपनी बीवी के मिसिंग होने की बात बताता है, मगर ये ऑफिसर उल्टा डैनियल पर ही शक करने लगता है। अगले दिन डैनियल को एक यूज़र बताता है कि तुम्हारी बीवी छठे दिन वापस आ जाएगी। डैनियल को कुछ समझ नहीं आता। ऐसे ही करते करते छठा दिन भी आ जाता है और उस दिन सैली वापस आ जाती है। डैनियल इससे पूछता है, तुम इतने दिन से कहाँ थी और वो कौन लोग थे? जिस पर सैली कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर डैनियल उस ऑफिसर को बुलाता है और इसे सारी बात बताता है, जिस पर ऑफिसर कहता है, चलो सब ठीक हो गया, अब से तुम अपनी बीवी का अच्छे से ख्याल रखो, मैं ये केस क्लोज कर रहा हूँ। लेकिन डैनियल ऐसा नहीं चाहता था, ये पता लगाना चाहता था कि इसकी बीवी को किन लोगों ने किडनैप किया था। मगर यहाँ पर ये ऑफिसर और सैली डैनियल को ही समझाने लगते हैं कि ये उन सब में ना पड़े क्योंकि अब सब कुछ ठीक है। अगली रात सैली अपने बिस्तर से कहीं नहीं जाती। ये देखकर डैनियल को यकीन नहीं होता। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत जाते हैं। अब सैली एकदम सही हो चुकी थी, इसीलिए मेडिसिन लेना भी बंद कर देती है और डैनियल से कहकर घर के सारे कैमरे बंद करवा देती है। डैनियल भी अब बहुत खुश था क्योंकि सैली अब ठीक हो चुकी थी। ये सारी बात ये अपने सोशल मीडिया पर शेयर करता है और सभी को थैंक यू कहता है। अगले दिन ये दोनों कहीं से शॉपिंग करके घर आ रहे थे। सैली कार में ही सोई थी, तभी अचानक सैली फिर से वही भयानक आवाज़ निकालती है जिस पर डैनियल डर जाता है और घर आकर ये फिर से सोशल मीडिया पर ये बात बताता है, जिस पर एक यूज़र बताता है कि वो तुम्हारी वाइफ नहीं है और ना ही वो इंसान है, अगर तुम चाहो तो तुम उसका खून देख सकते हो। अगले दिन ये फिर से सैली से छुपा कर छोटे कैमरे घर में लगा देता है जिससे ये सैली के ऊपर नज़र रख सके। डैनियल के घर से बाहर जाते ही सैली फिर से टीवी पर वही आवाज़ें सुनने लगती है। यहाँ पर इसे मिनी कैमरे के बारे में पता चल जाता है। शाम को जब डैनियल घर आता है तब सैली इस पर गुस्सा होने लगती है और कैमरे क्यों लगाए हैं इस बारे में पूछने लगती है, जिस पर इन दोनों में काफ़ी देर तक बहस होती है। लास्ट में सैली कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तब डैनियल इसको पकड़कर बांध देता है और कहता है, कौन हो तुम और मेरी बीवी कहाँ है, जिस पर सैली इसको कुछ नहीं बताती। फिर डैनियल इसके हाथ को कट करता है ये जानने के लिए कि ये इंसान है या नहीं। ये जैसे इसके हाथ को कट करता है इसमें से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं जिसे देखकर डैनियल डर जाता है। ये पूरी तरह से समझ जाता है कि ये इंसान नहीं है। ये फिर से पूछता है कि सैली कहाँ है, जिस पर ये बताती है, अब सैली तुमको कभी नहीं मिलेगी। फिर डैनियल गुस्से में आकर इसके हाथ से निकले हुए कीड़ों को मारने लगता है जिस पर सैली को बहुत दर्द होता है और ये फिर से वही भयानक आवाज़ निकालने लगती है। तभी यहाँ बहुत बड़ी स्पेसशिप आती है और इसमें से बहुत सारे लोग इसके घर के बाहर आ जाते हैं और सैली की तरह ही आवाज़ निकालने लगते हैं। इधर सैली डैनियल को बताती है, तुम अब तक इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम सैली के पति हो। तभी दरवाजे पर डॉक्टर लूपस और वही ऑफिसर आ जाते हैं और डैनियल को ऐसा करने से मना करते हैं। यहाँ पर मूवी का सारा सीक्रेट बाहर आता है। डॉक्टर लूपस डैनियल को पूरी बात बताता है कि ये लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। असल में सभी लोग एलियंस थे जो इंसानों के शरीर में धीरे धीरे पूरी तरह से कब्जा कर लेते थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर और ये ऑफिसर भी एलियंस हैं, इसीलिए डॉक्टर लूपस इसे बार बार समझाने की ही कोशिश करता था। डैनियल पूछता है कि तुम लोगों ने इंसानों को ही क्यों चुना, जिस पर डॉक्टर लूपस बताता है कि हमने सभी तरह के जानवरों के अंदर रहकर देखा लेकिन वहाँ पर हमें ज़्यादा दिन तक ज़िंदगी नहीं मिल रही थी, इसीलिए हमने इंसानों को चुना है। और अगर तुमने सैली को चोट पहुँचाया तो हजारों छोटे छोटे एलियंस मारे जाएंगे जो इस वक्त सैली के शरीर में हैं। डैनियल कहता है, मुझे मेरी बीबी वापस चाहिए, जिस पर ये लोग कहते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सैली को हमारे साथ जाने दो, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे।
डैनियल कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं सारी दुनिया को तुम लोगों के बारे में बताऊंगा। जिस पर डॉक्टर लुपस कहता है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जिसे तुम ये बात बताओगे हो सकता है वो भी हम लोगों में से ही हो, और कुछ ही दिनों में तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। इतना कहकर ये सारे लोग सैली को यहाँ से लेकर जाने लगते हैं और डैनियल कुछ नहीं कर पाता। लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि कुछ लोग एलियंस के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर शहर के बड़े बड़े लोग इस बात को मजाक में ले रहे थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि शहर के बड़े से बड़े लोग भी इन एलियंस का शिकार हो चुके हैं। और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक एलियंस बेस मूवी थी। इसमें दिखाया गया है कि दूसरी दुनिया से आए हुए एलियंस, जो देखने में बहुत छोटे छोटे थे, ये लोग इंसानों के शरीर में धीरे धीरे अपना घर बना लेते थे और इनके शरीर में रहने लगते थे, जिसे बाहर से देखकर कोई ये नहीं बता सकता था कि ये इंसान है या एलियंस। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।